हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ओन चैनल बचपन पाठशाला बाय रवि कौशल सर। मैं हूं रवि कौशल सर और आपको मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल बचपन पाठशाला में। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स का पार्ट 5। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। आपके बुक में ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का पीपल एज रिसोर्स के केस में। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, बेरोजगारी के केस में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। कहता है इट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग बेसिस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। इसका मतलब ये कह सकते हो आप लोग कि अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर लोगों को जो वेजेस यानी मजदूरी जो चलते रहता है, जब लोगों को उसी मजदूरी पर काम नहीं मिल पाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं ये, या फिर बेरोजगारी भी कहा जाता है। ओके, इसमें आप ये भी कह सकते हो कि जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल लेकर के बताया गया है इसके बारे में, जैसे आपको मैंने बताया था क्या शकल के बारे में, शकल, ठीक है। शकल हो गए, इसकी मम्मी का नाम क्या है, शीला है, ठीक है। इसके भाई बहन का नाम क्या है, जीतू और सीतू, जीतू और सीतू। और इनके जो हस्बैंड का नाम है वो बूटा है, ठीक है, बूटा। इसमें आपको छोटा सा कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया है क्या कि शकल की मम्मी जो है वो घर का काम या फिर अपने बच्चों का, बच्चों की देखभाल, या फिर कुछ समय बचता है तो अपने हस्बैंड यानी बूटा के खेतों में वो उसको मदद करती है, ये इसका काम हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि शकल की जो मम्मी यानी कि शीला जो है वो अपने से अपना इच्छे अनुसार वो काम कर रही है, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इसको नहीं कह सकते, या अनएम्प्लॉयड नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट कब कहा जाता है, जब किसी कोई वैसा आदमी जो काम करने को इच्छुक हो लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा हो जो उसी मजदूरी पर, जैसे मान लो कोई एक मनरेगा का मजदूर है, उसको 200 रुपए पर डे का हिसाब से मिलता है जो है, और मैं मनरेगा में काम करने को इच्छुक हूँ लेकिन मुझे तब पर भी मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, तो वहां पर ये कह सकते हो कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है। इज दैट क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं क्या इसमें है? जो इसके भाई बहन है जीतू, जो इसका छोटा भाई जीतू और इसकी बहन जो सीतू है, ये दोनों ही छोटे हैं। वर्क फॉर पॉपुलेशन में भारत में या पूरे दुनिया में कितनी उम्र को कहा जाता है, 15 इयर्स, 15 इयर्स टू 59 इयर्स के जो पीपल होते हैं उनको वर्क फॉर पॉपुलेशन कहा जाता है। 15 से 59 साल, 15 इयर्स टू 59 इयर्स को वर्क फॉर पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन इन दोनों का उम्र तो 15 साल से नीचे है, तो ये तो वैसे भी इनका गिनती नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या कि शीला के, शीला का इच्छा नहीं है, शीला सिर्फ अपने घर का ही काम करने का इच्छुक है, तो उसको हम लोग बेरोजगारी अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते, उसको उसको इच्छा ही नहीं है तो उसको कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा इस कहानी में ये शकल के दादा दादी या नाना नानी के बारे में इस स्टोरी में कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है, तो उनको भी हम लोग अनएम्प्लॉय ही कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आए। तो इस तरीका से हम लोगों ने समझा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ओके, अब इसमें हम लोग जानेंगे ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं किसको, लेड ऑफ फ्रॉम जॉब, चेंज जॉब या टेक टाइम ऑफ, यानी इसका कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा कंडीशन जब कोई आदमी अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है, अपने से निकल जाता है, तो उस जो अपने से निकल जाता है तो निकलने के बाद उसके पास तो काम तो रहता नहीं है, काम कब तक नहीं, जब तक वो अगला काम ज्वाइन नहीं कर ले, अगला जॉब ज्वाइन नहीं कर ले, तो तब तक के लिए उसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है।
ठीक है। उसका दूसरा ये चेंज जॉब, जब कोई आदमी जॉब को चेंज करता हो ठीक है, उस दौरान जो बीच में जो जो बेरोजगारी आता है, जो वो बीच में काम नहीं करता है, उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके अलावा जैसे टेक टाइम ऑफ, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने जॉब से क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए क्या करते हैं, टाइम ऑफ कर लेते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए रेस्ट करते हैं ठीक है, सोचते हैं कि 2-3 महीना करके देखते हैं, तो वो जो 2-3 महीना जो रह जाते हैं ठीक है, तो उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है। हम लोग सेकंड पर बात करते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। स्किल नॉट मैच द जॉब, स्किल नॉट मैच द जॉब, यानी इस तरह के कामों में काम कुछ ऐसा होता है कि जो स्किल होने चाहिए, जो आपका स्किल इस जॉब के लिए जब संभव नहीं है, मैच नहीं करता है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल, यानी कि आपको एक स्ट्रक्चरल यानी कि इस काम के, इस पार्टिकुलर काम के लिए आपको ये काम आना ही चाहिए, ये स्किल होना ही चाहिए ओके। या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे आप ही लोग देख लो कि हमको ये YouTube वीडियो बनाने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, वीडियो एडिटिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, पर मेरे पास नहीं है, तो इस जॉब के लिए हम परफेक्ट नहीं है ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ओके। हम लोग थर्ड वन पर बात करते हैं साइक्लिक, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करते हैं। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड फॉल्स, यानी कि जब समाज में या पूरे देश में या किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जब पूरी तरह से इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हो जाता, पूरी तरह से ढह जाता है इकोनॉमिक, ना बिजनेस हो रहा है, ना कोई व्यापार हो रहा है किसी भी तरीका का, या फिर आप क्या कह सकते हो रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है मंदी आ जाना ठीक है। जैसे मंदी कब कब आया है, 1929 में, 2008 में ठीक है, या फिर 2020 में, अभी तुम लोग देख लो COVID-19 पैंडेमिक को ही देख लो ठीक है, COVID-19 पैंडेमिक जो महामारी है कोरोना वायरस का ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि 1929 या 2008-2020 में आप लोगों को मंदी आया था, इसके कारण भी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, काम नहीं मिल पाता है इस मंदी वगैरह। या फिर और क्या हो सकता है, गुड सीजन, गुड सीजन और बैड सीजन, यानी कि अगर जो हम लोग ग्रामीण इलाका में, गांव वगैरह में जब हम लोग बात करते हैं, तो गांव वाला में क्या होगा, अगर बारिश अच्छी होगी तो खेती बाड़ी भी अच्छा होगा, तो ये गुड सीजन, तब उस समय काम लोगों को मिलेगा, लेकिन बारिश नहीं हुई, लोगों के पास काम ही नहीं है, तो ये बैड सीजन में आ गया, तो इस कारण से लोगों को काम ही नहीं मिल पाएगा ठीक है। तो ये हुआ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब आते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का केस में। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों ही रूरल में मिलते हैं, रूरल एरियाज में ये दोनों ही मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, रूरल एरियाज में मिलते हैं ओके। आप लोग देखिएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन शेड्यूल्स, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन शेड्यूल्स, यानी कि जब प्रोडक्शन अच्छा होगा, जब प्रोडक्शन अच्छा होगा खेतों में, तो लोग की जरूरत होगी थ्रेसिंग करने के लिए या फिर हार्वेस्टिंग करने के लिए, ये सब की जरूरत पड़ती है ना, तो उसी के लिए जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी ना, अगर मान लो बारिश ही नहीं हुआ तो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो सीजनल यानी कि साल भर में कुछ महीने काम रहता है और कुछ महीने गायब रहता है, तो इसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये अक्सर पाया जाता है कि कहाँ, रूरल एरिया में ठीक है। एक और रूरल एरिया में जो पाया जाने वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका नाम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन छिपा हुआ ठीक है, छिपा हुआ। तो इसको आप हाँ ऐसे समझिए, फोर वर्क ऑफ फोर पीपल हैव सिक्स ऑफ देम। देखो अगर खेतों में चार आदमी का काम है और लगा हुआ कितना, छह आदमी ठीक है। ये अक्सर पाया जाता है जब आपका अपना जमीन हो, आप मान लो 8-10 परिवार हो, उस 8-10 परिवार में चार आदमी का काम है ठीक है, लेकिन वहां पर लगे हुए कितने, छह लोग हैं, तो दो लोग एक्स्ट्रा है ना, दो लोग एक्स्ट्रा है। जैसे आपके बुक में भी मेंशन किया गया क्या कि 5 लोगों का काम है और लगे हुए हैं 3 लोग एक्स्ट्रा, तो जो 3 लोग जो एक्स्ट्रा है लगभग उनके उनके कारण प्रोडक्शन में तो कोई अफेक्ट तो होगा नहीं, प्रोडक्टिविटी में। ये तो नहीं होगा कि अगर 5 के जगह पर 8 आदमी मिल जाएंगे तो प्रोडक्शन हाई हो गया,
जब प्रोडक्शन हाई नहीं होता है, प्रोडक्शन अनअफेक्टेड रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, ओके, इसमें प्रोडक्टिविटी अनअफेक्टेड पड़ती है। अब एक और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो उभर करके आता है, ये अक्सर अर्बन एरिया में यानी शहरी इलाका में मिलता है देखने को। ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है आपका कि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जो एजुकेटेड होते हैं, जैसे हम लोग में से, तो हम लोगों को काम नहीं मिल पाता है। जैसे आप ऐसे ही देख लीजिए कि जब हम लोग एजुकेटेड होते हैं तो कई बार क्या होता है, हम लोग चाहे मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिक पास हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री किए हो, तो कोई फर्क नहीं, काम ही नहीं है। उसके बावजूद कई केसेस में ऐसा भी स्टडी में देखने को मिला है कि जो मैट्रिक पास रहते हैं ना, उनको काम ही रहता है, लेकिन उल्टा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये भी होता है, ऐसा भी देखने को मिला। और ये बहुत ही ऐसा भी आता है कि एक स्टडी में पैराडॉक्सिकल भी एक है, ऐसा आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रडिक्शन भी है, कि देखा जाता है क्या कि जिसके पास टेक्नोलॉजी वाला, जो आप लोगों के पास डिग्री वाला होगा, बीटेक किए हुए हो ये सब, तो उसके पास इतना ज्यादा लेबर फोर्स है, सरप्लस मैन पावर है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लेबर है। लेकिन उल्टे केस में अगर आप क्या देखोगे कि अगर हमारे देश को इकोनॉमिक रूप से डेवलप करना है, तो उसके लिए हमारे पास टेक्निकल जो स्किल चाहिए लोगों के पास या लेबर के पास, वो टेक्निकल स्किल है ही। ठीक है, यानी एक तरफ, दूसरा है, आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे MBA BTech वाले लोग, इसका माइंड पावर बहुत है हमारे देश में या पूरे दुनिया में बहुत सारे। ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ अगर आप क्या देखोगे कि हमारे देश को जैसे COVID-19 पैंडेमिक अभी है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एकदम टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, पर उतने लोग सक्षम नहीं है, उतने लोगों के पास स्किल नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ही कम लोगों के पास डेटा साइंटिस्ट या फिर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, डेटा साइंस ले लो, ओके, या फिर कोडिंग वगैरह हो गया, तो ये सबका इतने सारे मैन पावर है ही नहीं हमारे देश में। तब देख सकते हो कि एक तरफ आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा माइंड पावर है, तो दूसरे तरफ आप देख रहे हो कि इतनी ज्यादा जरूरत है लोगों की, पूछो। ठीक है, एक बात और, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू, आप लोग कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेस। यहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है, वो सिर्फ ये नहीं करता है कि ऐसे नहीं, वो वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स को भी खत्म करता है। ठीक है, वेस्टेज यानी कि जितना भी ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसको भी खराब कर देता है। वो कैसे, जैसे होता क्या है कि लोग क्या फिर जानने लगते हैं कि लायबिलिटी वो हो जाते हैं उनको। यहाँ पर मैंने एक सवाल भी दिया कि वेन पीपुल बिकम ए लायबिलिटी रादर देन एसेट, कब ये लोग जो है ना, वो ये कह सकते हो लायबिलिटी की जगह पर एसेट नहीं रह जाते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों में क्या हो जाता है कि निराशा हो जाता है। ठीक है, ये होपलेसनेस हो जाता है, जो अपने से परिवार को वो हेल्प नहीं कर पाते हैं, खास करके तब और ज्यादा और खराब हालत होता है जब एजुकेटेड पर्सन हो करके भी अपने परिवार को कोई मदद नहीं कर पाता है, उसको और ज्यादा ये होता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट और क्या करता है, इकोनॉमिक ओवरलोड को बढ़ाता है। इकोनॉमिक ओवरलोड का यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो कि मैंने आपको बताया है कि 15 से लेकर 59 इयर्स तक के जो है, इन पर ये डिपेंडेंसी बढ़ाता है, क्योंकि काम करने वाले तो यही है वर्क फोर्स पॉपुलेशन, और जब कोई बेरोजगार रहेगा तो जो काम करता रहेगा तो उसको तो वही लगेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है मेरी। ठीक है, सिर्फ इसको नहीं जिम्मेदारी लगेगा, पूरे देश को, पूरे इंडियन इकोनॉमी या पूरे दुनिया के जितना भी है ना, सबको इकोनॉमी में इस तरह के बेरोजगारी से लायबिलिटी ही नजर आता है। ठीक है,
सिर्फ इतना ही, इकोनॉमिक ओवर लोड में जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होते हैं तो फिर क्या उन पर असर पड़ता है, कैसे अपना अपना पर्सनल भी असर पड़ता है, जैसे लोगों के हेल्थ पर असर पड़ता है, क्योंकि तो लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो हेल्थ पर खर्च करेंगे नहीं खर्च करेंगे। दूसरी ओर है कि वो बच्चों को क्या कर लेते हैं, स्कूल से भी वापस बुला लेते हैं बच्चों को, ठीक है, क्योंकि तो जब पैसा ही नहीं रहेगा तो बच्चे को पढ़ा करके क्या करेगा, ठीक है। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का ये काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिला है यहाँ पर। और क्या इसमें है कि इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। इसका मतलब ये होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ता है तो इसका इंडिकेटर ये भी है, इंडिकेट करता है कि किसी भी देश में जब इम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो किसी भी देश का मंदी आ जाता है, डिप्रेस्ड इकोनॉमी आ जाता है, ये इसका पहचान हो जाता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो यानी कि मंदी है आपके, क्योंकि आपके यहाँ प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, प्रोडक्शन नहीं रहा तो लोगों की जरूरत नहीं होगी, और लोगों की जरूरत नहीं होगी तो उन्हें काम नहीं मिलेगा, उनको पैसे नहीं होंगे और ना ही वो अपने परिवार को भली भांति वो केयर कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो चाहे वो एजुकेशन की बात हो, ठीक है। इसी में आप आगे और क्या देखोगे, डिप्रेस्ड इकोनॉमी से सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे देश का ये डिपेंडेंसी बढ़ जाता, पूरे देश को एक ह्यूमन को एक पीपुल को लायबिलिटी समझा जाने लगता है, ठीक है, ये हो जाता है। इसमें होता है कि इंडिया का केस में क्या होता है कि इन अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना वो काफी लो है, काफी लो है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना भारत में बहुत ही लो है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल में रिप्रेजेंट बहुत ही लो इनकम होता है, बहुत ही लो इनकम जिसका काउंट भी नहीं कर सकते हो आप, या फिर उनका प्रोडक्टिविटी को काउंट नहीं किया जा सकता। आप ऐसे समझिए कि उनका ये ऐसा लगता है कि वो लोग काम कर रहे हैं, दे अपीयर टू वर्क, किस लिए पूरे साल वो नजर आते हैं काम करते हुए, लेकिन वो उनका पोटेंशियल या उनका जो इनकम जो होता है वो एकदम नील बट्टा सन्नाटा होता है, एकदम कह ही नहीं सकते हो कि इनका कुछ हो सकता है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि जो कमाई मतलब किसी आदमी को जितना उसके पास स्किल हो उतना उसको पैसा नहीं मिल रहा हो तो वो क्या समझेगा, उसको तो किसी तरीके से काम चलाना है बस। आप ऐसे एग्जांपल आपके बुक में भी दिया गया है कि एक जब आप ये कॉबलर के पास आप लोग जाते हो तो आप लोग जूता जब वो सी करके देता है तो आप लोग को पता है वो कितना आप पैसे उसको देते हो, ठीक है, दो रुपए तीन रुपए, तो उससे उसका घर चलेगा, नहीं चलने वाला, वो तो बस काम चला रहा है, काम चलना चाहिए बस, ना ही उसको एजुकेशन का पता है ना ही उसको हेल्थ अपना कर लेता है मैनेज, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो इस तरीका की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये इम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर पर देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में जैसे प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर को बोलते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में जो है इम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कैरेक्टराइज करता है सेल्फ इम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। सेल्फ इम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अपने से ही किसी रोजगार को अपनाना अपने, ठीक है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है एग्रीकल्चर, अपने से ही किसी के यहाँ तो हम लोग काम तो करने नहीं जाते हैं, तो ये सेल्फ इम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। उसी में क्या देखते हैं हम लोग कि पूरा का पूरा फैमिली जो है वो कंट्रीब्यूट करता है फील्ड पर, चाहे वो सभी की जरूरत हो या नहीं हो। इसे लिखा गया कि इवन दो एवरीबॉडी इज रियली नीडेड, ठीक है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग फील्ड पर काम देते हैं, और ये इसको लीड करता है क्या, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया कि ये छिपी हुई, यानी कि जरूरत है चार लोगों का तो यहाँ पर काम कर रहे हैं कितने लोग, छह लोग। ये अक्सर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, और वैसे जगह पर जहाँ पर किसी फैमिली का अपना क्या होता है प्लॉट होता है और उस प्लॉट पर खेती बाड़ी करते हैं, और चार आदमी का जरूरत है तो वहां पर कर कितने रहे हैं, छह आदमी।
तो ये होता है हिडन, ठीक है। उसी में अब बात करते हैं क्या कई बार कि शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड प्रोडक्ट, लेकिन एक बात है इसका फायदा होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। डिस्गाइज में एक फायदा देखने को मिलता है कि जब काम को जब वो शेयर करते हैं, काम को जब वो शेयर करते हैं ना फील्ड में, तो उनको ना जो प्रोड्यूस जो होता है, ठीक है, उनको हार्डशिप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे दूसरे केस में ना जॉब नहीं है आपके पास और आपके पास खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं, तो क्या करोगे आप? तो कुछ नहीं। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में या रूरल सेक्टर में आप देख सकते हो क्या कि ये चीज जरूरत नहीं होता है, उनको रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, उनकी हार्डशिप में बहुत कमी आ जाती है जिसको उनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम उतनी नहीं रहती, खाने को तो कम से कम नहीं ना रहता है, इसलिए काफी अच्छा है, ठीक है, रूरल सेक्टर में। लेकिन इसका क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि पॉवर्टी को ये इग्नोर कर देगा, पॉवर्टी उस घर में रहेगा। जैसे देखो दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, ये उस फैमिली का जो पॉवर्टी गरीबी जो है उसको वो इग्नोर नहीं करता, रिड्यूस नहीं करता है, बल्कि क्या करता है उसमें, क्या करते हैं लोग ना कि धीरे धीरे जो सरप्लस लेबर, सरप्लस लेबर का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए तुम्हारे पापा के दो भाई, ठीक है, और तुम्हारे पापा के चार बेटे और तुम्हारे चाचा के चार बेटे, ठीक है, सपोज मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि चार चार आठ लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब उन दोनों को लगा कि यार आठ लोग की क्या जरूरत है, चार में जब हो ही जाता है तो उन चार लोगों का जो बोलते हैं तो उसको सरप्लस बोला जाता है, ठीक है, जो बच जाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो दूसरे जगह पर जा करके शहरी इलाका में जा करके जॉब खोजेंगे, किसी भी प्रकार का जॉब, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि गांव के हर हाउस होल्ड से वो माइग्रेट करते हैं विलेज से ताकि उनको जॉब मिल सके, ठीक है, ये होता है आपका। ओके, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में ही देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के तीनों सेक्टरों में हम लोगों ने पहले भी देखा, आगे यहाँ पर आप लोग देखिए। प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो जो रहता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिकतर मिलता है, और आपको जानते हुए भी जानते ही हो कि मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है प्राइमरी सेक्टर के हिसाब से। यहाँ पर एक चीज और जो होता है कि डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, अब क्या हो रहा है कि डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो भी पहले के पॉपुलेशन या पहले के लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते थे, अब वो धीरे धीरे हटता जा रहा है, ठीक है, अब वो धीरे धीरे जा करके वो प्रोग्रेस हो रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में या फिर टर्शियरी सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक माइकनाइजेशन होता है, माइकनाइजेशन का मतलब यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत कम ही ऐसे चीज है जो मशीनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, या फिर धीरे धीरे ये मशीनों धीरे धीरे जब मशीन आने लगे, थ्रेसर वगैरह आ गया है या ट्रैक्टर वगैरह आ गया है, तो जिसके कारण भी क्या होने लगा है कि इस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोगों की जरूरत भी कम होने लगी, जिसके कारण एग्रीकल्चर से लोग धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में आप लोग देखिएगा इधर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर होता है जो प्राइमरी सेक्टर का ही एक दूसरा रूप, जहां पर प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग आटा वगैरह खरीदते हो या चावल वगैरह जो पैकेट में खरीदते हो, वो पहले क्या होता है, खेतों से ही तो लाया जाता है, यानी प्राइमरी सेक्टर वो हो गया, और खेत से जब उसको ये इंडस्ट्री में उसको पैक किया जाता है, चावल को पॉलिश किया जाता है, तो वही क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी होता है, ठीक है, या इसमें भी आप लोग देखने को मिलेगा लेबर एब्जॉर्बिंग। लेबर एब्जॉर्बिंग का कहने का मतलब होता है कि इस सेक्टर में भी लेबर का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, इसलिए ये कहना सही होगा कि यहाँ पर भी इम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी मिलते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चर होगा, बनाया जाएगा, अभी जल्द की ही बात है कि आईफोन जो 11 जो है वो हमारे देश के तमिलनाडु के जो कैपिटल है यानी चेन्नई में उसको प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है, या जा रहा है। ओके,
थर्ड वन पर आते हैं टर्सियरी सेक्टर। टर्सियरी सेक्टर सर्विसेज को बोला जाता है। सर्विसेज यानी कि यहाँ पर अधिकतर जो सरकारी नौकरी में होते हैं, जैसे आईटी फील्ड में हो गए, इस तरह का काम हो गए, ये अपकमिंग लेबर और स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर स्किल्ड लेबर, अगर जिसके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, नॉलेज हो या फिर लेबर का है, तो वहां जैसे ये बहुत पहले का दिया हुआ है, लेकिन आज के डेट में तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी का तो देख ही रहे हो। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि दवाइयों वगैरह से रिलेटेड। नैनो टेक्नोलॉजी आप लोग मोबाइल में भी देख सकते हो, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज। आईटी तो आप लोग जान ही रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इन सारे जगहों पर लेबर एब्जॉर्बिंग, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो चाहे नॉन स्किल्ड लेबर हो, लेबर का तो जरूरत पड़ता ही है, और लेबर का जरूरत पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा है। तो इस तरीका से आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट को भी देखा। अब यहाँ पर आपके बुक में एक स्टोरी ऑफ विलेज दिया गया है, एक स्टोरी दिया गया। उस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि छोटा सा विलेज क्या होता है, आगे जाकर के एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्टोरी में शुरुआत में ये कहा गया है आपको कि पहले जो ये जो गाँव जो है, गाँव का नाम तो नहीं दिया, कोई भी आप गाँव ले लो, तो ये गाँव में पहले सभी काम जो है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे बच्चे को या अपने लिए कपड़े बनाना हो या फिर खाने के लिए हो, तो सारे अपने से, खाना वाला तो खेत पर से आ जाता था, तो जो भी वो प्रोडक्शन करते थे ना खेत वगैरह से, वो सारा सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए यूज करते थे, वो बेचने के लिए नहीं करते, ना ही उनसे कोई प्रॉफिट होता था। लेकिन इस गाँव का एक परिवार के लोगों ने क्या किया कि एक परिवार ने क्या किया, अपने बेटे को पास ही के गांव के जो एग्रीकल्चर जो कॉलेज है वहां पर उसको पढ़ने के लिए भेजा, ठीक है, और वहां पर पढ़ने के लिए उसने भेजा एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, और वहां पर वो मन लगा करके पढ़ाई किया वो लड़का, और वो आगे जा करके क्या बना, एग्रो इंजीनियरिंग किया, एग्रो इंजीनियर बना, जिससे ये क्या हुआ कि वो अपने खेत पर आ करके बहुत अपने धान को क्या करने लगा, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पानी में, बहुत ही ज्यादा पैदावार अब देने लगा, जिससे क्या हुआ कि उसको खाने के बाद भी उसका सरप्लस धान या वीट पर पड़ जाता था, और जो सरप्लस पड़ जाता है वो क्या करते थे वो फैमिली, वो बेच दिया करता था, जिससे उसको प्रॉफिट भी हो जाता था। और इसी को देख करके उस गांव वाले के लोगों को भी इनको ये पॉलिसी जो है अच्छा लगा, और उन्होंने क्या उन लोगों से मदद मांगी कि हमारे लिए भी ऐसा किया जाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि गांव के पंचायत में जाके अर्जी दी कि हमारे गांव में स्कूल खोले जाए। स्कूल किस लिए, मैंने पहले बताया कि पहले जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे वो अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लेते थे, तो खुद ही पढ़ाएंगे तब ना, जितना तक उनको गार्जियन को या पेरेंट्स को आएगा उससे तो ज्यादा वो बता नहीं सकते थे, तो सिर्फ वो उतना तक ही रहता था। इसलिए लोगों ने क्या किया कि अपने गांव में स्कूल को खोलने के लिए पंचायत को अर्जी दी। अब पंचायत ने क्या किया, धीरे धीरे स्कूल को खोला। अब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाने लगे, तो पढ़ने जाने के लिए क्या कि पास ही के गांव के एक टीचर को बुलाया गया, तो टीचर भी क्या हुआ, उस आदमी को टीचर पढ़ाने के लिए उसको काम मिला, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट मिला ना। तो पहले क्या था, पहले एग्रो इंजीनियरिंग का एक एम्प्लॉयमेंट निकल कर गया, दूसरा क्या बना, टीचर को मिला जॉब, ठीक है। अब टीचर को जॉब मिला तो उसी गांव का एक और परिवार जो था उसने अपनी बेटी को टेलरिंग का काम करने के लिए सिखाया, तो टेलरिंग का वो पूरे गांव का जितना भी कपड़ा था ना उसने क्या करने लगा, अपने मन मुताबिक या उनके मन मुताबिक कपड़े बनाने लगे, और कपड़े बनाने लगे तो उसको भी नौकरी मिल गया, ठीक है। तो टेलरिंग भी क्या हो गया, एक एम्प्लॉयमेंट की नजर से आने लगा। उसके बाद एक और चीज क्या आया कि लोगों को ये समझ में आने लगा कि अब धीरे धीरे ये ऐसे होने लगे, तो धीरे धीरे देखे आप लोगों ने कि एक गांव में शुरुआती से वहां पर एक भी जॉब नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जब एजुकेशन लोगों को मिलने लगा तो धीरे धीरे वहां पर स्किल बढ़ाने लगे, लोगों को सरप्लस खाना मिलने लगा। तो इस तरीका से आप लोगों ने देखा कि एक छोटा सा गांव, पहले कुछ नहीं था वहां पर और अब सब कुछ है वहां पर, ठीक है। इससे भी आप लोग सीख सकते हो।
आई होप कि आप लोगों को ये पांचों पार्ट आप लोगों को पसंद आया हो, ठीक है। और मैं आपको जो भी आपका प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो, आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर सेंड कीजिएगा, मैं आपका वेलकम करता हूं। और ये भी बताइएगा मेरे को कि क्लास 9 का अगला सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर मैं आपके लिए पढ़ाने का स्टार्ट करूं। एंड थैंक यू।